गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज बात एक ऐसे टॉपिक के बारे में करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं हम सब ने महसूस किया है। आप सोच रहे होंगे हर लेक्चर में सर ऐसा बोल देते हैं कि ये टॉपिक हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। क्या करूं बेटा, इंग्लिश के टॉपिक्स ही इतने बेहतरीन हैं, इतने मज़ेदार हैं कि कहीं ना कहीं इनका हमारी जिंदगी के साथ एक कनेक्शन जुड़ी जाता है। एक अजीब सी बात आपको बताता हूं, एक स्टूडेंट ने मुझे पर्सनली ये क्वेश्चन किया था कि सर साइंस स्ट्रीम में भी इंग्लिश होता है, कॉमर्स में भी इंग्लिश होता है, आर्ट्स में भी इंग्लिश होता है, इंग्लिश इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतनी इंपॉर्टेंस इंग्लिश को क्यों है। मतलब साइंस स्ट्रीम वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स पढ़ते हैं, कॉमर्स वाले अकाउंट्स, स्टेट्स, इकोनॉमिक्स, बीए पढ़ते हैं, उसके बावजूद उनको इंग्लिश क्यों रखा गया है। आर्ट्स वालों को साइकोलॉजी पढ़ना पड़ता है, सोशियोलॉजी पढ़ना पड़ता है, लेकिन इंग्लिश वहां पे होता है। क्या ये इसलिए है कि हम इंग्लिश सीख सकें? जवाब ध्यान से सुनिएगा। इंग्लिश तो आप बहुत अच्छी खासी सीख चुके हैं, आप सब तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, सालों से इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो फिर इंग्लिश को रखने का मकसद क्या? देखिए, बाकी सब सब्जेक्ट्स है ना बेटा, वो सब मटेरियलिस्टिक अप्रोच पे चलते हैं, वहां पे कहीं पर भी आपको ह्यूमन इमोशंस देखने को नहीं मिले। लेकिन इंग्लिश इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो अपनी स्टोरीज के थ्रू, अपनी कहानियों के थ्रू, अपनी पोएट्री के थ्रू आपको एक अच्छा इंसान बनना सिखाता है। जो अच्छाई, जो सच्चाई आपको ये सब्जेक्ट दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। ऐसा समझ लीजिए ये खाने में नमक है, दिखता नहीं है लेकिन इसके बिना खाने का मजा भी नहीं। यही रीजन है कि इंग्लिश हर जगह दिखता है। आप हमारे यूनिट्स को ही ले लीजिए। पहला यूनिट जो हमने पढ़ा, द लास्ट लेसन, वो बताता है कि हमारे लिए हमारी मदर टंग यानी मातृभाषा कितनी इंपॉर्टेंट है। माई मदर एट 66 बताता है कि माँ की हमारे जिंदगी में क्या वैल्यू होती है। यूनिट टू लॉस्ट स्प्रिंग बताता है उन अंडर प्रिविलेज बच्चों के बारे में जिनकी जिंदगी जहन्नुम से बदतर है। हम में से कईयों को लगता है, आप में से कई बच्चों को लगता होगा कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। एक दिन उस मासूम बच्चे की जिंदगी जी के देखिए, आपको एहसास हो जाएगा कि आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। उसी तरह से आज का यूनिट भी इंसानी फीलिंग्स, इंसानी जज्बात का एक ऐसा पहलू छुएगा जो आपको बिल्कुल टच हो जाएगा आपके दिल। बेटा, आप सब इस इमोशन से गुजरे हैं, ये इमोशंस आप सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इमोशंस डर। कहते हैं प्यार, डर और गुस्सा, दीज थ्री आर द प्योरेस्ट फॉर्म्स ऑफ इमोशंस, एंगर, लव एंड फियर। इंग्लिश में फियर को फोबिया भी कहा जाता है। अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजों से डर लगता है, उसके पीछे अलग अलग कारण होते हैं, और कुछ डर तो वाकई में चौंकाने वाले होते हैं। जैसे फेमस पेंटर लियोनार्डो दा विंची, उसको यकीन मानिए लिखने से डर लगता था। लियोनार्डो दा विंची की जो जितनी भी आप राइटिंग पढ़ेंगे वो रिवर्स में उन्होंने की है, यानी आपको अगर उसे पढ़ना हो तो मिरर में पढ़ना पड़ेगा। फेमस सेलिब्रिटी कटरीना कैफ टमाटर से डरती है। आमिर खान, उनको अक्सर मौत का डर सताता है। लेट इरफान खान, जिनकी अभी कुछ समय पहले मौत हुई, उनको पानी से डर लगता था। हम सबको अलग अलग चीजों से डर लगता है। मुझे खुद को ऊंचाई से डर लगता है, बहुत हाई अल्टीट्यूड पे चला जाऊं तो डर लगता है कि गिर जाऊंगा। सोनम कपूर, फेमस एक्ट्रेस, उसको लिफ्ट से डर लगता है। यकीन मानिए वो आज भी सातवें माले पे रहती है मुंबई में, और 7 फ्लोर पैदल चढ़ती है, उसको डर लगता है कि किसी दिन एलिवेटर पे फंस जाएगी और मर जाएगी। ये डर कहां से आता है, ये डर कहां से ओरिजिनेट होता है, ये हमारी जिंदगी में कर क्या देता है, और आखिरकार इस डर से जीता कैसे जाए? आज की कहानी इसी डर के बारे में। विलियम डगलस, अमेरिकी इतिहास के सबसे लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके व्यक्ति, एक अच्छी खासी जिंदगी जी उन्होंने,
1890 में जन्म हुआ, 1980 में मरे, मतलब 90 ईयर्स तक जिंदा रहे, एक महान शख्सियत, अमेरिकन प्रेसिडेंट के पर्सनल एडवाइजर जॉन एफ कैनेडी के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस। अपनी जिंदगी में उन्होंने सब कुछ किया, इंग्लिश और इकोनॉमिक के टीचर थे, जब टीचिंग से उनका मन उब गया तो लॉ में चले गए, वकालत कर ली, फेमस अटर्नी थे, फिर जज बने और जिंदगी भर जज के तौर पे काम करते हैं। लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं उनकी जिंदगी के एक ऐसे पहलू के बारे में जो उन्होंने हमारे साथ आपकी फ्लेमिंगो बुक के यूनिट नंबर 3 डीप वाटर से डिस्कस किया, वो है उनका पानी से डर। वो बताते हैं कि जब वो 3 साल के थे, 3 या 4 साल के थे, तो अपने पापा के साथ समुद्र के किनारे घूमने निकल गए। अब समुद्र के किनारे खेलना बच्चों को बहुत पसंद होता है, ही वॉज ऑल्सो एंजॉइंग इट, वो बहुत मजा कर रहे थे वहां पे। तभी एक तेज पानी की लहर आई जो इनको बहा के ले गई, इनका हाथ अपने पिताजी से छूट गया। इनके पिताजी ने इमीडिएटली इनको पकड़ लिया, सब लोग मुस्कुराते रहे, लेकिन उस एक पल के लिए इनको लगा कि गए बाबा जी, जान तो गई अपनी। और वो डर कितना भयानक बन जाता है किसी एक और किस्से की वजह से। जब ये 10-11 साल के थे तब उन्होंने इस डर के ऊपर जीत हासिल करने की कोशिश की स्विमिंग सीखकर। उनके घर के पास याकीमा नदी बहती थी, उनकी इच्छा होती थी कि याकीमा नदी में जाके तैरूं, लेकिन याकीमा नदी इनफेमस थी, आसपास अक्सर हादसे हो जाते थे, लोग डूब के मर जाते थे। तो इनकी मम्मी ने उनको सजेस्ट किया कि YMCA में जाओ, ये क्लब है और वहां पे जाके सीखो। अब YMCA अहमदाबाद में भी है, YMCA के और भी ब्रांचेस है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता चल होगा कि YMCA क्या है, यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, YMCA। इसकी स्थापना सन 1840 में इंग्लैंड में हुई, उसके बाद उसकी ब्रांचेस दुनिया भर में फैली, अमेरिका में भी है। तो YMCA में ये क्लब में गए और वहां पे इन्होंने स्विमिंग सीखना शुरू करने की तैयारी की। स्विमिंग पूल जैसे आप में से कईयों ने देखा होगा तो उसका एक एंड जो होता है वो शैलो होता है, यानी कम गहरा, और दूसरा एंड जो होता है वो डीप होता है, ज्यादा गहरा। ये 3 फुट वाले एंड पे खड़े रहकर स्विमिंग सीखना चाहते थे, अपने साथ पूरी गियर पहन के वो तैयार रहते थे, और अभी इनिशियल डेज ही थे इनके स्विमिंग सीखने, डर अभी भी बना हुआ था। एक दिन सुबह थोड़ा जल्दी चले गए तो जाके पूल के किनारे बैठ गए, पूल के पास बैठ गए कि थोड़ी देर में लोग आएंगे तो फिर तैरना शुरू करूंगा, डर यही कि अगर डूब जाऊं तो कोई बचा तो ले। तभी एक हट्टा कट्टा लड़का वहां पे आता है, इनको पीछे से पकड़ता है और अपनी ही धुन में मस्ती की खातिर इनको डीप साइड में, पानी के गहरे हिस्से में फेंक देता है। अब क्या करें, ऑथर सोचते हैं, विलियम डगलस सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मैं नीचे जा रहा हूं, नीचे जैसे ही जाऊंगा और एक बूमरैंग के जैसे, एक स्प्रिंग के जैसे पूरी ताकत से बाहर आ जाऊंगा और पानी से बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, वो जब नीचे जमीन को टच करते हैं और पूरी कोशिश से ऊपर आने की कोशिश करते हैं वो नाकाम हो जाते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, हर बार जितनी बार उन्होंने बाहर आने की कोशिश की वो नाकाम होते गए। अब पानी उनके लंग्स में भर रहा था, उनकी बॉडी पूरी की पूरी सुन्न पड़ रही थी, हाथ पैर हिल नहीं पा रहे थे, डर इतनी बुरी तरह से घर कर चुका था कि उनको लगा कि बस अब जान गई। जिस वक्त उन्होंने सच को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं तो अब मरने ही वाला, तो उन्होंने मूवमेंट करना छोड़ दिया। वो कहते हैं वो जिंदगी का एक ऐसा पल था जब मुझे रियलाइज हुआ कि मौत का कितना बड़ा सुकून होता है, सब कुछ शांत, चारों तरफ हल्के पीले रंग का पानी, जिंदगी जैसे ठहर गई। नेक्स्ट उनको याद है कि किसी ने उनको बाहर निकाल दिया था और उनके मुंह से पानी निकाला गया, बातें उनको सुनने को मिली, वो सेमी अनकॉन्शियस थे, आधे होश में आधे बेहोश। जिस लड़के ने इन्हें फेंका था वो कह रहा था भाई मैं तो मजाक कर रहा था, और उनके इंस्ट्रक्टर ने उनको कहा तेरे मजाक के चलते लड़का मर गया होता।
अब इस इंसिडेंट का विलियम डगलस की जिंदगी के ऊपर भयानक असर हो, वो पानी से बुरी तरह से डर गए। अब जरा सा भी पानी देखकर उनको डर लगता, वो कहीं कुछ एंजॉयमेंट नहीं कर पाते। दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पे जाते, घूमने जाते, कहीं भी चले जाते, बीचेस पे जाते, तो पानी से दूर दूर रहते, और ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पानी में उतरने की इच्छा तो थी, लेकिन मौत का डर उनको रोक रहा था। फाइनली उन्होंने एक फैसला लिया कि इस डर से जीतना है, और दुनिया में अगर तुम्हारा कोई डर है और तुम्हें उसको उसका मुकाबला करना है, उसे जीतना है, तो तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा। याद रख लेना बेटा, जब तक आप अपने डर का सामना नहीं करते, आप अपने डर से जीत नहीं सकते। यह एक ऐसी परिस्थिति है कि आपको कैसे समझाऊं कि अगर समुद्र का तूफान आ रहा हो और आप रेत का गड्ढा खोदकर अपनी गर्दन उसमें गाड़ दें, तो आपको लगेगा कि समुद्र आपकी तरफ आएगा ही नहीं, लेकिन वो रुकने वाला नहीं है, वो जरूर आपकी तरफ आएगा। इसीलिए ब्रेव बनो, उसका सामना करो। इन्होंने भी यही फैसला लिया, एक इंस्ट्रक्टर हायर किया, 6 महीने तक ट्रेन किया, पानी में पैर डालने से लेकर स्विम करने तक सीखा, उसके बावजूद डर नहीं गया। डर कब गया? जब उसने एक पूरा का पूरा लेक एक साइड से दूसरी साइड 2 किलोमीटर का स्ट्रेच स्विम करके तय किया। कहते हैं जब बीचों बीच थे उस लेक के, तब एक पल के लिए इनको ख्याल आया कि मैं क्या फिर से डूबने वाला हूं, लेकिन इन्होंने खुद को यकीन दिलाया कि तुम तैरना जानते हो, तुम जीत सकते हो। और इस तरह से विलियम डगलस ने अपने इस डर पे जीत हासिल की। बेटा, इस पर्टिकुलर यूनिट से क्या सीखने को मिलता है? हमें सीखने को मिलता है कि डर का सामना करना दुनिया की सबसे बेहतरीन चॉइस है। यकीन मानिए, मैं भी अपने डर का सामना करने के लिए 2 बार पहाड़ियों पर जा चुका हूं, और तब तक जाता रहूंगा जब तक इस डर से जीत नहीं जाता। आप सब भी अलग अलग डरों से फंसे पड़े हैं। कुछ बच्चों को एग्जाम से डर होता है, एग्जामिनेशन हॉल में ब्लैंक पड़ जाते हैं। यकीन मानिए बेटा, इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। एग्जाम तो जिंदगी भर आते ही रहेंगे, आप उनका मुकाबला करिए। जब तक आप उन्हें फेस नहीं करते, तब तक कामयाब नहीं होते। जब तक आप अपने डर किस डर से जीतते नहीं हैं, तब तक हार मत मानिए। विलियम डगलस ने अपनी जिंदगी में 3 बार कोशिश की और अपने डर को हराया। जब तक डर को हरा नहीं दिया, तब तक हार नहीं मानी। आप सब भी अपने अलग अलग डरों से लड़िए, उनका सामना करिए। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसके अंदर पल रहा अलग अलग तरह का डर होता है। जिस इंसान को किसी चीज का डर नहीं, उसे कोई हरा नहीं सकता। आज के लेक्चर के अंत में बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप सब जीवन में कामयाब बने और निर्भय बने। COVID-19 के चलते लॉकडाउन लेक्चर्स की ये सीरीज़ आपके लिए बनाई गई है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आते होंगे। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिए, अपने क्वेश्चंस रेज करिए। YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जब जब हमारा वीडियो अपलोड हो तो आपको जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको पसंद आएगा।